मंथ की सिलेक्शन तो हमारी सक्सेसफुली होगी, तो नाउ आई सिंपली सिलेक्ट इंडेक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी क्लियरली किसी ने मंथ सेलेक्ट किया है, तो हम सिलेक्टेड ईयर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, देन इंटीजर डॉट पार्सेंट, जैसे भी ईयर का जो भी हमने सिलेक्टेड आइटम किया है उसे कैप्चर करेंगे। आफ्टर कैप्चरिंग दिस, करंट ईयर कैप्चर करना है तो उसके लिए जी के एल मैथड का गेट नाम का फंक्शन कॉल करो और उसका ईयर नाम का सेम ने वैल्यूज निकाले। देन हम सिलेक्टेड मंथ निकालेंगे, तो मंथ्स में सिलेक्टेड मंथ और जो भी जैसी भी मंथ में गेट सिलेक्टेड आइटम है उसको हम इसमें कास्ट कर लेंगे। आफ्टर कास्टिंग दिस करंट मंथ गेट करेंगे, तो जी के एल डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ। तो सबसे पहले हम एक स्टार्ट डेट लेंगे और स्टार्ट डेट वन लिया, एक एंड डेट लिया, दैट इज जो भी सिलेक्टेड मंथ है उसका गेट टोटल डेज। आफ्टर दैट अगर मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, हाँ, अगर हमारा करंट ईयर इक्वल टू सिलेक्टेड ईयर है एंड जो हमारा सिलेक्टेड मंथ का ऑर्डिनल है अगर वो हमारे सिलेक्ट करंट मंथ से मैच करते हैं, सी जो ऑर्डिनल है वो जीरो बेस्ड है तो ये करंट मंथ की जो वैल्यू कैलेंडर देता है उससे मैच करता है, तो हम क्या करेंगे अपनी एंड डेट को उस टाइम पर जो भी करंट डेट चल रही है वो सिलेक्ट कर लें। आफ्टर दैट एल्स पार्ट में हम कंफर्म करेंगे कहीं ये सिलेक्टेड आपका सिलेक्टेड मंथ मंथ्स की लिस्ट में फरवरी तो नहीं है, अगर ये फरवरी होता है तो हम एंड डेट में जी कैल का फंक्शन इस लीप ईयर चेक करेंगे और चेक करेंगे जो आपका सिलेक्टेड ईयर है क्या, अगर वो लीप है तो 29, अदरवाइज 28 आ जाए। फिर यहाँ पर एंड डेट स्टार्ट डेट से बिगिन किया एंड डेट पे चलेगा, ठीक, और जैसे भी डेट डॉट ऐड आइटम हमने डेट ऐड कर ली। आफ्टर एडिंग दिस लेट्स चेक दिस आउट, मैं यहाँ आया, मैं लॉग इन किया और आफ्टर लॉगिंग यहाँ ये वैल्यूज 19 लिया, अप्रैल लिया तो डेट आ जाएगी, डेट का रीसेट होगा, लाइक आपने 14 लिया और मैंने चेंज की, तो इसे बचाने के लिए सेम आप यहाँ आओ लिखो इंट सिलेक्टेड डेट इंडेक्स और मैंने जैसे भी डेट का जो भी सिलेक्ट इंडेक्स चल रहा है वो कैप्चर किया और जो सेम कोड हमने पहले ऊपर भी किया था, अगर ये सिलेक्टेड डेट इंडेक्स लेस देन जैसे भी डेट की आइटम काउंट से छोटा है तो ये जैसे भी डेट का सिलेक्ट इंडेक्स में ये सिलेक्टेड डेट इंडेक्स असाइन कर दें। आफ्टर असाइनिंग दिस यही सेम पीस ऑफ कोड यहाँ भी करना है क्योंकि ईयर के चेंज पर ये काम नहीं कर रहा है, पहले हम चेक करके बताता हूँ कि मैं किस इशू की बात कर रहा हूँ, फिर कोड को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अभी तो जो इशू है हमारे पास वो ये है 2019 मई और 6 लिया, चेंज किया नो चेंज, बट इफ आई चेंज द ईयर डेट विल बी रीसेट, सो इस रीसेट को बचाने के लिए आप सेम वही कोड करो सिलेक्टेड डेट इंडेक्स और जैसे भी डेट का उस टाइम जो भी सिलेक्ट इंडेक्स होगा आप यहाँ आओ और उसका भी कोड हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका बेसिकली एक डेट पैनल बन गया, देयर इज अ इश्यू, यहाँ जो डेट सिलेक्ट करोगे उसे आप उस एनवायरनमेंट तक यानी हमारे स्टॉक पैनल तक कैसे जाएगा उसके लिए आपको एक छोटा सा कोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक पब्लिक डेट जो कि जावा डॉट सिक्वल पैकेज का है और एक फंक्शन बनाऊंगा सिलेक्टेड डेट और यहाँ एक ट्राई ब्लॉक लिया और मैंने यहाँ एक डेट डेट वैल्यू लिया और यहाँ हमने इनिशियली नल दिया और एक कैच एक्सेप्शन ले लिया, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम एरर हैंडलर में इस एरर को शो कर देंगे और रिटर्न डेट वैल्यू परफॉर्म कर देंगे।
तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जेसीबी ईयर कुछ आपका सिलेक्टेड इंडेक्स होना चाहिए, मंथ भी कुछ सिलेक्टेड इंडेक्स होना चाहिए, एंड आपका डेट भी कुछ सिलेक्टेड जो इंडेक्स है वो वैलिड होना चाहिए। अगर ये वैलिड है तो हम क्या करेंगे, ईयर की वैल्यू कैप्चर करेंगे, इंटीजर डॉट पार्सेंट लिया और सिलेक्टेड आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर मंथ लिया और जो भी इसका सिलेक्टेड इंडेक्स है वो वैल्यू ली और डेट में हमने जैसे भी डेट डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स लिया। फिर मैं एक डेट स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसमें ईयर लिया हाइफन प्लस मंथ की वैल्यू, क्योंकि जो इंडेक्स है वो जेनरिक इंडेक्स हमारे यहाँ पर वन ही है, डेट का इंडेक्स वन का वन ही है, तो इसलिए हमारा काम उस पोर्शन से चल जाएगा। तो डेट वैल्यू में हम इसे कन्वर्ट करके डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। फिलहाल मैं इसको चला के देख लेता हूँ जो मैंने अभी डेट वाला चेक बनाया था, तो मुकेश पासवर्ड ऐड किया जो मैंने पहले ऐड किया हुआ है, इसे मैक्सिमाइज किया, ऐड किया 2019 जुलाई, डेट सेलेक्ट की, ईयर चेंज किया, देन देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कवरअप होता है और मैंने एक कस्टम डेट पैनल बनाया जिसे आप कई प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको एज इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। सो गुड डे।